स्कूल में ना फन फेयर है जिसमें सभी स्टूडेंट्स की मॉम ना उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग एक स्पेशल स्टॉल लगाने वाली है। हाँ तो उसमें तांडव मचाने वाली कौन सी बात थी? अरे कुछ नहीं है, उसको सिर्फ अटेंशन चाहिए इसलिए नौटंकी कर रही है। प्लीज गाइस, मेरी फ्रेंड्स की मॉम ना स्टॉल लगाने वाली, निधि की मॉम नेल आर्ट की और सोफिया की मॉम टेम्पररी टैटू की। मम्मी आपका क्या टैलेंट है, आपको क्या आता है? मैं, मुझे तो सिर्फ खाना बनाने आता है। पर इंडियन ना, नहीं फ्रेंच क्यूजिन आती है, नहीं इटालियन क्यूजिन। मेरी वहाँ कोई कजिन है नहीं तो आएगी कहाँ से? मम्मी सी पापा, इसलिए मैं मम्मी को ना स्कूल नहीं ले जा सकती। इनको इंग्लिश बोलना तो दूर समझ में भी नहीं आ रहा है, बहुत एम्बैरेसमेंट होगा। मम्मी आपको कुछ आता क्यों नहीं है? बाकी तू पागल है क्या? समर डोंट गेट इनटू इट। समर ठीक है तो कह रही है, मुझे आता ही क्या है? बाकी इतनी भी क्या प्रॉब्लम है बेटा, ले जाओ ना अपनी मम्मी को स्कूल के फन फेयर। पापा प्लीज, आप भी तो मम्मी को ऑफिस की पार्टीज में नहीं लेकर जाते हो ना, एम्बैरेस फील होता है, वैसे मुझे हो रहा है। बेटा बट व्हाट कैन वी डू, जब तुम्हारी मम्मी वो सब कर ही नहीं सकती। तो क्यों नहीं कर सकती? नहीं तो शो, क्योंकि मुझे घर चलाने के सिवाय कुछ नहीं आता है। मन तो बहुत है छे कि मैं अपनी स्वीटी के लिए कुछ करूं, लेकिन मन करने में और आने में बहुत फर्क होता है। जब तुम्हारी मम्मी ये सब नहीं कर सकती तो उस बात को एक्सेप्ट कर, तुम अपनी मम्मी तो नहीं बदल सकती ना। बदल सकती। हाय पाखी, कैसी आप मेरी मम्मी बनोगी? व्हाट, आपकी जगह कोई ले ही नहीं सकता है क्योंकि आपके जैसा कोई है ही नहीं। पर मुझे सिर्फ खाना बनाने आता है। नहीं, आपको वर्ल्ड का बेस्ट खाना बनाना आता है। यू आर द मदर ऑफ स्पाइसेस। अरे ये विदेशी खानों के नाम सिर्फ सुनने में अच्छे लगते हैं, आखिर तो एक हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी खाना ही अच्छा लगता है। काका बिल्कुल सही कह रहे हैं, माफ करना आप लोग बोलिए। मम्मी खाना बनाना ना एक आर्ट है, एक कला है, तो जाके पाखी और उसकी इडियट फ्रेंड्स को बता दो कि आप कितनी बड़ी आर्टिस्ट हो। इना पाखी। पापा प्लीज, मुझे जीतना है। बेस्टी, मेरे स्कूल के फन फेयर में ना मम्मी की जगह आपको स्टॉल लगा दो। आप इतनी स्मार्ट है, टैलेंटेड है, आई एम श्योर आप जीत ही जाएंगी। पापा आप बेस्टी से बोलो ना, आप बोलोगे ना तो वो 100% हाँ कह देंगे। प्लीज बेस्टी, छोटे उम्र से भी छोटा फेवर मांग रही हूँ मैं आपसे। मैं अपनी स्वीटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर पाखी के लिए? नहीं बेटा, अपने लिए भी करो। बता दो पूरी दुनिया को कि एक हिंदुस्तानी माँ जब अपने पे आती है ना तो सारे इंग्लिश बोलने वालों की छुट्टी कर देती है। क्यों? ओके ओके, आई विल डू इट। पक्का? पक्का, एंड आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें जिताऊंगी। तो ठीक छे, मैं अपनी स्वीटी को हारते नहीं दूंगी, उसे बिना बताए ये उसके लिए करूंगी। थैंक यू। तुम्हारी मम्मी पार्ट क्यों नहीं ले सकती? मैम एक्चुअली उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनकी जगह ये पार्ट लेंगी। नो फाइन मैम। क्योंकि हमारे स्कूल का सबसे बड़ा ईयरली इवेंट है, सारे स्टूडेंट्स की मॉम स्टॉल लगा रही है और तुम चाहती हो कि तुम्हारी बुआ स्टॉल लगाए? Excuse me, ma'am. मैं इनकी बुआ नहीं हूँ। I'm talking to पाखी. तुम्हारी बुआ अगर स्टॉल लगाएंगी तो तरह तरह के इश्यूज खड़े होंगे, क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं। बाकी मॉम्स भी हैं जो कि सिख हैं, लेकिन उनके बच्चे आएंगे क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को अटेंड करना कंपलसरी है। लेकिन अगर तुम्हारी बुआ स्टॉल लगाएंगी? Excuse me, ma'am. मैंने अभी आपसे कहा है कि मैं इनकी बुआ नहीं हूँ। Then, मौसी, ये पाखी की मौसी। Okay, लेकिन ये फिर भी पाखी की मॉम की जगह स्टॉल नहीं लगा सकती। ओके मां, ठीक है, अगर आपको अपने स्कूल की प्रेस्टीज नहीं बढ़ानी है तो कोई बात नहीं। मतलब यह है मैडम कि काव्या एक IIM पास आउट है और वो बाकी मदर्स की तरह आपके स्कूल में टॉयज का और वो हेयर पिन और हेयर बैंड का स्टॉल नहीं लगाएंगे, काउंसलिंग का स्टॉल लगाएंगे। ये आपके स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग देगी, वो भी फ्री। वाओ वंडरफुल आइडिया है ना मैम, सॉरी। और शायद आपके स्कूल को स्पॉन्सरशिप भी चाहिए होगी, तो
मैं आज ही अपने ऑफिस से बात करके आपके लिए स्पॉन्सर्स अरेंज कर सकता हूँ। थैंक्स, लेकिन हमें आपके स्पॉन्सर्स की जरूरत नहीं है मिस्टर वनराज। हालांकि करियर काउंसलिंग का स्टॉल का आइडिया काफी अच्छा है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंडिपेंडेंट काउंसलिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सिर्फ इसलिए मैंने स्टॉल लगाने की परमिशन दे रही हूँ। Yes. As long as आप स्टॉल लगाने की परमिशन दे रही हैं, स्पॉन्सरशिप से क्या फर्क पड़ता है? मेरे स्पॉन्सरशिप के ऑफर से आपको फर्क नहीं पड़ा, आपके स्पॉन्सरशिप रिजेक्ट करने से मुझे फर्क नहीं पड़ा। थैंक यू सो मच मैम। इन्हें 5 नंबर स्टॉल अलॉट कर दो। जी। सो टुमारो एट 9 o'clock शार्प, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू मैडम। यस। जय श्री कृष्ण। मैं हूँ स्वीति साहब, पाखी साहब 11A, उसकी मम्मी हूँ अनुपमा शाह। हाँ हाँ, आइए बैठिए। कहिए। मैडम फनफेयर, आई एम स्टॉल फुट फूड। मिसेस शाह, अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, किसी की समझदारी का सर्टिफिकेट नहीं है। तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो प्लीज हिंदी में बात कीजिए। थैंक यू। पानी पी लो। या शो। वो क्या है ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल है ना, तो जितनी अंग्रेजी आती थी मैंने ऐसे धड़ाधड़ बोलती, और अब बहुत अच्छी है मैडम। थैंक यू। वैसे अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। नहीं वो नेवर माइंड, बताइए क्या कहना चाहती हैं। मैडम मैं कल फनफेयर में ना स्वीटी को सरप्राइज देना चाहती हूँ, पाखी को सरप्राइज देना चाहती हूँ, गुजराती खाने का स्टॉल लगाना चाहती हूँ। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, खाना ऐसा होगा जो बच्चों को पसंद भी आएगा और हेल्दी फूड भी होगा, जैसे कि थेपला पिज्जा। खा के देखिए ना। शाह शाह, ये बहुत बढ़िया है, आप भी लीजिए ना मैडम। थैंक यू मैडम। आप गुरु हैं, आपको खिलाना मतलब सरस्वती माँ को भोग लगाना है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं दूसरी मम्मी लोग की तरह हाई फाई भी नहीं हूँ, बस खाना बनाना आता है। चलेगा नहीं? मेरी एक शर्त है मिस्टर शाह। ये टिफिन आपको यहीं छोड़कर जाना होगा। आप ये खाइए, है ना, मैं और भी लेकर आऊंगी। लेकिन कोई गृहिणी ना अपना डब्बा कहीं छोड़कर नहीं जाती, और ये डब्बा तो मेरी सास के मायके से आया था। ये देखिए उनका नाम भी लिखा है, लीला सा। स्टॉल नंबर 5 पर इनका नाम डाल दो। बट मैम वो स्टॉल तो मैंने कहा ना, इनका नाम डाल दीजिए। डन। थैंक यू मैडम। मिसेस शाह तो कल शाम 9 बजे। 9 बजे? हाँ, साइन करने के बाद आपको 10 बजे तक स्टॉल रेडी रखना है। नौ बजे कैसे? समर और बाबूजी की मदद लेनी पड़ेगी। क्या? 9 बजे। ऑल द बेस्ट, सी यू। आओ जी। पाखी ने झूठ बोला समझ में आता है, टीनेजर्स अक्सर ऐसा करते हैं, लेकिन मिस्टर शाह अपनी वाइफ की जगह किसी और को क्यों दे रहे हैं? खैर वजह चाहे कुछ भी हो, बात गलत है
और मैं गलत बात का सपोर्ट नहीं करूंगी। मैम, पाखी की मॉम ने बताया कि कल वो उसे सरप्राइज देना चाहती हैं। क्लियरली पाखी को कोई आइडिया नहीं है कि उसकी मॉम कल स्टॉल लगाने वाली है, तो अब क्या होगा? कल फन फेयर है, ये तो कल ही पता चलेगा। आई लव यू मम्मी, थैंक यू मुझे जिताने के लिए। पूरी कोशिश करूंगी स्वीटी, पूरी कोशिश। कान्हा जी, आज एक माँ पहली बार बाहर की दुनिया में जा रही है, लाज रख लेना। आप तो जानते हैं मुझे अपनी चिंता नहीं है, बस मेरे पति और मेरी बच्ची का सर झुकने मत देना। लाज रख जे। हाँ चलो मम्मी, पहुंच गए। चल चल, लेट्स गो। रेडी रॉकस्टार? हाँ। अच्छा मैं देख के रहा था, वरुण ने सारा सामान रख दिया नहीं? ओके आया। चल सामान सामान। मम्मी, हाँ? क्या हुआ? समर, घर चल बेटा, घर चल। पर हुआ क्या है? स्वीटी और तेरे पापा ठीक कहते थे, यहाँ सब ये हाई फाई मम्मी लोग हैं, दी इंग्लिश बोलने वाले, मैं यहाँ कुछ नहीं कर पाऊंगी। चल 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 बेटा। आपके शाइन करने का यही वक्त है। जय श्री कृष्ण। चाहे जो वो पा सकता है, भोला सा ये मन तेरा, आंगन से बाहर निकल, दुनिया है आंगन तेरा, तेरी आशा तेरे सपने सब में शामिल, पत्नी साथी सखी माँ, अनुपमा अनुपमा हो अनुपमा। मम्मी, स्टॉल नंबर 5 हमारा स्टॉल। हे लौट के आए मन के आंगन, कितने बरसों के सावन, रे बांसुरी बाजी राधिका नाची, लौटा मन में वृंदावन, प्रीत का कारण सबसे पावन, ऊपर से तू मन पावन, फिर से
ऑल सेट। बहुत सरस। आजो। वाओ। परफेक्ट। क्या? ओह लवली लवली। चलती चलो। मैंने बोला था तुम बिना मतलब में पैनिक करे। टाइम पे पहुंच गए हम लोग। समर। लगता है तेरे पापा आ गए। आप दोनों को 25 साल साथ में हो गया है, लेकिन फिर भी आज भी पापा को देखकर आप बच्चों की तरह एक्साइटेड हो जाती हो। चुप कर, जाके देख कर आने। अरे इधर आएंगे तो यही आएंगे पापा, डोंट वरी। हमारा स्टॉल कहाँ है? स्टॉल नंबर 5 था ना हमारा? हाँ। मम्मी, एक सेल्फी तो बनती है। अरे नहीं नहीं अभी काम के बीच में। जल्दी आओ। परफेक्ट। अच्छा मम्मी, मैं वरुण को देखकर आता हूँ। अभी आया, अभी अभी। जल्दी आना, जल्दी। अरे गोरा, अरे वहां तो पहले से ही किसी का सामान रखा है। किसी ने हमारा स्टॉल चोर लिया। लड़ी चोर। बाकी हो सकता है किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो गया होगा ना, ऐसे नहीं बोलते बेटा। तुमसे क्लियर करना चाहिए थे ना, जिसकी भी मॉम ने ये किया है। अगर वो मिल गया ना, उसकी चटनी बना दूंगी मैं। इसलिए मैं मम्मी को ना स्कूल नहीं ले जा सकती। तो इंग्लिश बोलना तो दूर समझ में भी नहीं आ रहा। बहुत एम्बैरेसमेंट होगा। मम्मी आपको कुछ आता क्यों नहीं है? बेस्टी, मेरे स्कूल के फनफेयर में ना मम्मी की जगह आपको स्टॉल लगा दो। आप इतनी स्मार्ट है, टैलेंटेड है, आई एम श्योर आप जीत ही जाएंगी। वहां जाओगी तो जरूर हारोगी, इसलिए वहां जाने का कोई पॉइंट है ही नहीं। मम्मी, मम्मी, प्रिंसिपल मैम और जजेस इसी साइड आ रहे। बी रेडी। तेरे पापा स्वीटी और काव्या भी आ गए। मम्मी, हाँ? मम्मी, अरे हमें तो पता था पापा और पाखी आने वाले है ना। हाँ? मम्मी लाइफ में एक बार पापा पर नहीं खुद पर फोकस कीजिए। मम्मी जजेस आ रहे हैं, जस्ट बी रेडी। हाँ पर ये गए कहाँ? मम्मी, हाँ आप ये प्राइस खुद के लिए जीतना चाहती है? नहीं ना, पाखी और पापा के लिए जीतना चाहती है ना? मम्मी फोकस फोकस, जजेस आ रहे हैं। जस्ट पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। कूल, फुट फॉरवर्ड। पैर आगे क्यों रखूं? अरे मम्मी ये कहावत है, इसका मतलब ये कि अपना बेस्ट करो। हाँ तो एम के ने बेस्ट लक कि चंपल की दुकान की कहावत क्यों बोल रहा है तू यहाँ? हेलो कहाँ गए? मम्मी, हाँ मम्मी फोकस। अरे मैडम, जय श्री कृष्ण, सो इज दिस द गुजराती फूड स्टॉल? पर हमने ना इसको फ्यूजन कर दिया है। वो ये थेपला पिज्जा, ये पात्रा ढोकला सुशी, ये खाकरा टाको, ये फ्रूट रैप और ढोकला साठे, ढोकला साठे। हाँ साठे। दैट्स सो कूल, मतलब ट्रेडिशन भी और मॉडर्न का ट्विस्ट भी। वो क्या है ना मैडम, बच्चे लोगों को बाहर का खाना अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगने में और होने में बहुत फर्क होता है। इसलिए हमने घर के खाने को ही मॉडर्न कर दिया है। और हमने ना इसका वो क्या बनाया है, टैगलाइन। हाँ टैगलाइन, एक दो तीन
अच्छा पेरिस भी और अहमदाबाद भी, सेहत भी और स्वाद भी। आपने तो कमाल ही कर दिया मैं शिशा। Not good. It is very good. आपने तो कमाल कर दिया मिमिषा। हाँ आई होप बाकी भी आपकी तरह बने, आपसे कुछ सीखे। वो मेरी तरह ही है मैडम, बस उसे ये बात अभी पता नहीं। हर बेटी माँ की परछाई होती है, बस किसी किसी को ये बात देर से पता चलती है। वेल आई विल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अब जजेस को तो आपका स्टॉल, आपका खाना बहुत पसंद आया है, लेकिन जजेस का वोट सिर्फ 25% है। हाँ बाकी 75% लोगों का वोट है। So let's hope for the best. Thank you. आइए चलते हैं। Best. Super cool rockstar. क्या बात है? क्या confidence? क्या जलवा है? क्या कुछ भी बोलता है? So सभी moms के stalls देखने के बाद, the award for the best mother goes to Mrs. Anupama Shah. Mrs. Anupama Shah. Yes, meri mummy, best mummy. Mummy. Koi aur Anupama hogi. Nahi nahi mummy. Mrs. Anupama Shah, aaiye. Paki Shah ki mom. Come on, mommy. आराम से, आराम से। सॉरी। मैडम वो मेरे पति और मेरी बेटी और मेरा बेटा फैमिली इधर। ऑफ कोर्स मिसेस शाह। थैंक यू। आई वुड लाइक टू इनवाइट मिसेस अनुपमा शाह हस्बैंड एंड किड्स ऑन स्टेज प्लीज। पापा चलिए चलिए चलिए। मैडम एक और चीज, माँ होना अपने आप में सबसे बड़ा अवार्ड है, तो ये अवार्ड जिसने मुझे दिया था, क्या वो ये अवार्ड भी दे सकती है? ऑफ कोर्स मिसेस शाह। थैंक यू। बाकी मम्मी
कंग्रेचुलेशन स्वीटी. मिस ईशा एक मिनट कुछ बोलिए ना. मैं क्या बोलूंगी. जो आपके दिल में बोलिए. मैडम मैं मैंने आज तक कुछ भी नहीं जीता है. लूडो में भी हार जाती हूँ. ये भी मैंने नहीं जीता है. हम सब ने जीता है. हर माँ ने जीता है. बचपन में मेरी माँ एक कहानी सुनाती थी. कान्हा जी जब छोटे से थे ना चल भी नहीं पाते थे तो उन्हें चांद को छूना था. एक दिन उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया और चांद अपने आप नीचे आ गया. आज पता चला ये कहानी झूठी नहीं थी. हाथ ऊपर करो तो चांद अपने आप नीचे आ जाता. मुझे आदत नहीं है सबके सामने इतना बोल. पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ. सॉरी. हाँ एक बात बोलना चाहती हूँ. मेरा बेटा समर मेरा साथ नहीं देता ने वो मैं यहाँ तक नहीं आ पाती. थैंक यू. मिस्टर शाह आप भी अपनी वाइफ के लिए कुछ कहिए. श्योर. आई'ड लाइक टू थैंक द जूरी प्रिंसिपल मैम एंड द स्टाफ. आज मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल दिन है. आई एम प्राउड ऑफ यू अनुपमा. क्या बोले इन्हें मुझ पे गर्व है. इतने सारे ड्रॉबैक्स के बाद भी अनुपमा यहां तक पहुंची एंड शी मेड ऑल ऑफ अस प्राउड. थैंक यू. सबके